नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। बिहार के जमुई जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बच्चों से भरी एक बोट तालाब में पलट जाती है और यह खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो जाता है। तभी से यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आ रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार से एक बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई है। यहां बच्चों से भरी नाव पानी में पलट गई है। तभी आसपास अफरा तफरी का माहौल मच गया। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार के जमुई जिले के मरकट्टा गांव की ये घटना है, जहां सीएम नीतीश कुमार 11 फरवरी को समाधान यात्रा पर जमुई के मरकट्टा गांव आए थे। उनके आने पर अमृत सरोवर में दो बोट को छोड़ा गया था। यहां उन्होंने अमृत सरोवर सहित अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारी चले गए। सीएम के जाते ही गांव के दर्जनों बच्चे बोट पर सवार हो गए। इसके बाद बोट पर ज्यादा भार होने के कारण बोट पलट गई और सभी बच्चे तालाब में गिर गए। मगर इस पूरी घटना में गनीमत यह रही कि सभी बच्चे सुरक्षित निकल गए। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इस घटना के बाद अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने बोट का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। सीएम के जाते ही प्रशासनिक लापरवाही दिखा। वहीं तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि बोट की क्षमता दो लोगों की है। उस बोट पर 15 से 20 नाबालिग बच्चे सवार हो गए। हालांकि बोट गहरे पानी में नहीं गई थी, जिसके कारण बच्चे खुद ही सुरक्षित बाहर निकल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल यहाँ की निगरानी और प्रशासनिक लापरवाही का अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में कोई अप्रिय घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे मामले में आप दोष किसको देंगे, बच्चों को देंगे या प्रशासन को, ये बड़ा सवाल है। बिहार की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।